हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में दवाइयों की दुकानें खोली हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दवाइयां मिले, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनको किसानों का कोई ध्यान नहीं है। कृषि विभाग बड़ी मेहनत के बाद, बड़े इंतजाम करने के बाद, बड़ी अप्रोच करने के बाद आज हम लोग कृषि विभाग अरनिया के दफ्तर में हम लोग सारे किसान जो है अरनिया के मौजूद हैं। एक महीना लगातार हो गया है हमें यहाँ पेस्टिसाइड की दवाई को लेकर के चर्चा में, एक महीना हो गया पूरा, लेकिन यहाँ हर अथॉरिटी की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर अधिकार, यहाँ जो कर्मचारी हैं, इनसे हमने अप्रोच की और इनसे हमें पता चला कि इन्होंने 500 लीटर पेस्टिसाइड की जो दवाई है उसकी इन्होंने डिमांड दी है डायरेक्टर आरसपुरा, डायरेक्टर जम्मू में, एग्रीकल्चर विभाग जम्मू में। लेकिन आज एक महीना पूरा हो गया है, यहाँ एक लीटर भी दवाई नहीं आई, तो हमारे खेतों में जैलो रस्ट इतनी तेजी से फैल रहा है कि आज वो एक खेत में होता है तो कल 10 लोगों के खेतों में वो होता है। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है हमारी गेहूं की फसल को, इसका कोई ध्यान नहीं है एग्रीकल्चर विभाग। इतना बड़ा विभाग है, आए दिन ये हर तहसील में किसानों के मेले लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इसका किसानों को कोई लाभ नहीं है। ये किसानों की दुकान है, ये किसानों के लिए कृषि विभाग ने ये दुकान खोली है, मगर ये दुकान टोटली खाली है। इसमें कोई जिम्मेदारों के लिए सौदा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में दवाइयों की दुकानें खोली हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दवाइयां मिले, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनको किसानों का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन हमें यहां नारेबाजी करनी पड़ती है, पिछले साल भी हमने ऐसा किया और करने के बाद दूसरे दिन दवाई लेकिन मिली, थोड़ी सी मिली, पूरी उसकी भरपाई नहीं हो सकी। लेकिन हमारा कहना यह है कि यहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है 200 लीटर 300 लीटर, यहाँ 10,000 एकड़ सिर्फ एक अरनिया म्यूनसिपलिटी में खेती है, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल में 1,000 लीटर भी कभी पेस्टिसाइड की दवाई हो वो भी कम है प्रॉपर अरनिया के लिए। इसके साथ 16 पंचायतें लेती हैं, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप थोड़ी सी दवाई आती है, चंद लोगों को मिली, जड़े बेचारे लोग जिम्मेदार किसान छोटे जिम्मेदार हैं उनको मजबूर होकर के प्राइवेट दुकानों पे जाना पड़ता है। इसलिए मैं दोबारा ट्रैक्टर साहब को, ये हमारे किसानों की चेतावनी, आनन फानन में हम लोगों ने ये थोड़ा सा एजिटेशन करने का मूड बनाया है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं बड़े समूह में हमें ये आवाज मोदी तक पहुँचाना पड़े। और हमारी फिर विनती है ट्रैक्टर साहब से कि ये दवाई जल्दी से जल्दी भेजें, लेकिन हमें और भी एजिटेशन करनी पड़ी तो हम लोग करें। जय हिंद, जय भारत। हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि येलो रस्ट की है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, येलो रस्ट की दवाई भेजी जा रही है। पहले ऑलरेडी सर किसानों का 500 लीटर की डिमांड रखी हमने, तो सर किसानों का एक मांग है कि आपने एक महीना हुआ रखे हुए लेकिन अभी तक उन्हें दवाई नहीं मिल रही। हमने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया है, डिमांड हमने दे दी हुई है। कब तक आ सकती सर दवाई? सर ये फायर अथॉरिटीज बता सकते हैं कब तक आएगी, तो डिमांड पहले की दी गई। तो सर कई किसानों की फसलें अगर खराब होगी तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? सर वो तो हम फार्मर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जब तक नहीं आ रही है टाइमली आप स्प्रे कर लीजिए, जब आएगी तो दे देंगे। पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस बाईपास कुंजवानी।